तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं। सद्गुरु कबीर साहेब से किसी वक्त ने प्रश्न पूछा है वह कौन सा उपाय है जिससे कि मनुष्य जीवन सुखी हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं चार बातें। सदैव ख्याल में रहें, जीवन में उतर जाएं, चार बातों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में बना रहे तो उसे सुख मिल सकता है। वे कौन कौन सी चार बातें हैं? नंबर एक, शुक्लो दुर्मति दूरी करो। नंबर दो, अच्छा जन्म बनाओ। नंबर तीन, काग गमन गति छोड़ी के। नंबर चार, हंस गमन चलिया। प्रथम बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिससे कि मनुष्य के जीवन में सुख की शुरुआत होती है। शुक्लो दुर्मति दूरी करो। साहिब कहते हैं हे इंसान, तू दुष्ट दुर्बुद्धि को दूर कर और अपने जीवन को अच्छा बना ले। जीवन को अच्छा बनाना एक साधना के द्वारा ही संभव है। जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन सावधानी ना रहे तो धीरे धीरे जीवन इतना बिगड़ जाता है कि उस जीवन से तुम स्वयं दुखी हो जाते हो, और तुम ये भी कहते हो कि इससे अच्छा तो मर जाऊं ठीक है। लेकिन ये दुखद जीवन किसके कारण हुआ है? दुख और सुख जो भी मनुष्य के जीवन में आता है, वो सब उसके कर्म, स्वभाव, चरित्र, वाणी के प्रभाव से आता है। आज का कर्म कल फल ले आता है, सुबह का कर्म दोपहर को फल ले आता है, और कर्म तो बाद को करते हो। जिस प्रकार के कर्म के बारे में सोचते हो, सोचने पर भी उस प्रकार के कर्म का प्रभाव तुम्हारे मन पर आ जाता है। यदि तुमने मन में सोचा कि मैं दान करूं, तो आपके मन में प्रसन्नता आ जाती है। अभी दान किया नहीं है, केवल सोचा है। लेकिन यदि तुमने मन में सोचा कि मैं किसी के चप्पल चुराऊं, तो आपके मन में असमंजस आता है, डर आता है, चिंता आती है कि जिसके चप्पल चुराऊं कहीं वो पास में ही बैठा हो, और दो चप्पल चुराऊं तो कहीं वो खुश होकर 200 चप्पल ना दे दे।
इस बात का डर भी लगता है। अभी चुराया नहीं है, केवल सोचा है। सोच गलत कर्म सोचते ही